कश्मीरी पनीर बनाने के लिए ये लिया है हमने एक प्याज, चार लहसुन और तीन चार मिर्ची ली है। इसको डालते हैं कुकर में और दो टमाटर ले रहे हैं। ये दो टमाटर लिए हैं, इनको धो लिया है और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं जिससे कि जले नहीं, और इनको कुकर बंद करके एक सीटी लगाते हैं। इसमें ये अब ये उबल गया है, पिस गया। अब ये प्याज लहसुन भी इसी में डाल दिया है और इसको पीस दे। देखिए पिस के तैयार हो गया है, ये देखिए तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। ये लिया है 200 ग्राम पनीर और रख देते हैं इस पे कढ़ाई। कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल रहे हैं सरसों ऑयल। ये सरसों ऑयल डाल दे रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं, गरम हो गया है, पनीर डाल देते हैं। इसको इस तरह से सेक लेना है। ऐसे पलट के सेक लिया है। अब इसको गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से करके निकालेंगे तो तेल जो है पूरा निचुड़ जाएगा। इस तरह से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस ऑयल को निकाल लेंगे क्योंकि ऑयल ज्यादा है। ऑयल को
कम कर लेते हैं। अब इसको चढ़ाते हैं, ऑयल कम हो गया। अब इसको इसमें डालते हैं, गरम है इसमें डालते हैं जीरा और हींग, हल्दी और अब डाल देते हैं इसमें ये मसाला जो प्याज और लहसुन मिर्ची पीसा था वो मसाला डाल देते हैं। इस मसाले को पूरा डाल देंगे। इसको इस तरह से हिला के जार को पानी ये पानी भी डाल देंगे और अब गैस को थोड़ा तेज कर देंगे। आप चाहें तो छौंका लगाते समय एक दो लौंग, दो चार काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि गरम मसाला जब हम डालते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। ये जो अलग से मसाले डाले जाते हैं सब मेरे हिसाब से दिखावा है, इनको डालने की आवश्यकता नहीं होती है, दांतों से आ जाते हैं तो दिक्कत भी देते हैं। और मसाले गरम मसाला जो है उसमें सब कुछ होता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पनीर मसाला, ये पनीर मसाला है, इसको हम डाल देते हैं। ये 1.5 चम्मच के हिसाब से हमने मसाला डाल दिया है। हमें ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है इसलिए ऑयल इसका निकाल दिया था। तेज कर दिया था तो ये उछल रहा था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा धीमा किया है। पनीर मसाला डाल दिया, इसको पकने देते हैं 2-4 मिनट। तब तक ये पनीर को हम कट कर लेते हैं। पनीर को करेंगे कट, इस तरह से पनीर को काटना है, ये इस तरह से काट लेना है और इसके हम इस तरह से पीस कर लेंगे। इस तरह से
ये सभी पीस अलग हो गए, ये देखिए सभी पीसों को इस तरह से अलग कर लेना है जिससे कि जुड़े ना रहे, नहीं तो टेढ़े मेढ़े कटते हैं अगर कढ़ाई में हम काटते हैं तो। और ये देखिए मसाला भुनने लगा है। मसाला भुनने का पहचान क्या है, ये जो ऑयल हमने डाला था ये देखिए अलग होने लगा है। ये देखिए इधर साइड में दिख रहा है, थोड़ा सा ऑयल दिख रहा है, ज़्यादा ऑयल हमने डाला ही नहीं है। थोड़ा सा एक दो मिनट और करते हैं, हम सब्जियों को जितना कम मसाले में बनाते हैं, कम तेल में बनाते हैं, उतना स्वादिष्ट भी बनता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम मसाले भी कम डाले हैं और ऑयल भी कम डाला है। इसको एक मिनट और भूनते हैं। गया है, इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। ये जो टमाटर पीस के रखा है इसको डाल देते हैं और इसको इस तरह से चला के दो चार मिनट इसको अच्छे से पकने देते हैं। ये टमाटर भी अच्छे से पक गया है तो अब इसमें हम डालते हैं पनीर। पनीर डाल दिया है और इसमें डालते हैं ये जो टमाटर की प्लेट थी ना, इसको अच्छे से डाल देना है पूरा, जिससे कि बर्बाद ना हो। इस तरह से अब इसको थोड़ा खोलने देते हैं। इसमें डालते हैं एकदम फ्रेश ताजी मलाई। ये 2 किलो दूध की मलाई है, हमने इसको पूरा डाल दिया है। आपके पास कम है तो कम डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इसको अच्छे से चला देते हैं। इस तरह से इसको चला देना है और
और 2 मिनट इसको अच्छे से चलाने के बाद पकने देना है मलाई, जिससे कि इसमें पूरा अच्छे से भिद जाए, मिक्स हो जाए। भिद जाए का मतलब मिक्स हो जाए, है ना। इसको अच्छे से पकने देते हैं इस तरह से, है। इसमें डालते हैं धनिया, धनिया डाल देते हैं अच्छे से और इसको मिक्स कर देते हैं। और आप चाहें तो परोसने के बाद थोड़ा सा ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब इसको गैस को बंद कर देते हैं। ये बनके तैयार हो गया है, मस्त बना है, ज़्यादा मसाला भी नहीं है और ये मस्त कश्मीरी पनीर बनके तैयार हुआ है। कश्मीर में ज्यादातर लोग इसी को बनाते हैं। मैं एक बार गई थी तो होटल में जो वो था ना वेटर, उससे पूछा ये कैसे बनता है, तो फिर जो बनाता था ना कुक, उससे उसने मिलवाया, उसने हमें बताया कि ऐसे बनता है पनीर, कश्मीरी पनीर की ये रेसिपी है। तो बच्चों इसी तरह बनाइएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा, और कोई कमी लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या कमी है। हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए कि कुछ और होना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि अगली बार जब हम बनाएं तो उससे अच्छा बनाएं, है ना। तो इसी तरह बनाइएगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको थैंक्स बोल सकें।